फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी भी बहुत अच्छा लगने वाला। तो फ्रेंड्स, मैं आज एमआरआई मशीन के बारे में बात करूँगा कि एमआरआई मशीन क्या है। फ्रेंड्स, एमआरआई मशीन का मतलब होता है, ये आप जानते हैं कि एमआरआई मशीन का मतलब होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग स्कैन। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया में लाने के लिए। फ्रेंड्स, ये इस बात पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा पार्ट कितना बड़ा हिस्सा का स्कैन किया जाएगा। जी हाँ, और उस यानी कि शरीर के कौन से पार्ट का कितनी सारी तस्वीर ली जानी है, ये रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। फ्रेंड्स, हमारी बात को जाने, एमआरआई में रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी पर कोई भी अगर छोटा या बड़ा अगर घाव हो या कोई हड्डी टूट गई हो तो उसे हम आराम से देखकर पहचान सकते हैं। जी हाँ, किससे? एमआरआई से। जी हाँ, जैसे सपोज अगर ये की जाए कि क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारे अंगों के सामने होती है, लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स खराब हो जाता है या कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर पल रही है, पहले से पल रही है, तो उसे हम कैसे पहचाने, इसके लिए एमआरआई सबसे अच्छा विकल्प है। तो फ्रेंड्स, क्या है इसके लिए एमआरआई जो है वो सबसे अच्छा विकल्प है, ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स भी डायग्नोसिस किया जा सके। यानी कि इंटरनल बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गेन्स है, इंटरनल पार्ट्स है, उसको सही ढंग से जो है डायग्नोसिस किया जा सके। तो फ्रेंड्स, सपोज एग्जांपल के तौर पे हमारा ब्लड ग्रुप, अगर मालूम करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। जी हाँ, उसी तरह से एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हमारे शरीर के ऑर्गेन्स और टिश्यू को संपूर्ण तरीके से स्कैन करके, जी हाँ, संपूर्ण तरीके से हमारे शरीर के ऑर्गेन्स को क्या करता है, स्कैन करके उनकी इमेज को निकालता है। फ्रेंड्स, क्या निकालता है? उनकी इमेज, उनकी पिक्चर्स को निकालता है। इसमें ये देखा जाता है कि कोई ऑर्गेन्स कितना डैमेज हुआ है। हाँ, कोई ऑर्गेन्स जो है वो कितना डैमेज हुआ है या नहीं, ये बात हम चेक करते हैं, और टिश्यू डैमेज को भी जो है इससे पहचाना जाता है। फ्रेंड्स, ठीक है, एमआरआई का आविष्कार के लिए कोई एक नहीं बल्कि कई वैज्ञानिकों का जो है इसमें क्या है, योगदान है। फ्रेंड्स, सपोज नंबर वन एक साइंटिस्ट का नाम है, क्या, पॉल लेटरबर्ग। यानी कि पॉल लेटरबर्ग ने पहली बार 1973 ईस्वी में मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके एमआर इमेज को बनाया था। इस एक्सपेरिमेंट में 21 mm डायमीटर के ट्यूब का एमआर इमेज को बनाया गया था। जी हाँ, फिर सेकंड की बात करते हैं, यानी कि वो जो था, जो पॉल लेटरबर्ग ने इस तकनीक को क्या किया, जिग्नियोमेटोग्राफी के नाम से इसको बुलाया, इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया, इस पूरे प्रोसेस को जो है जो नाम दिया वो जिग्नियोमेटोग्राफी के नाम से बुलाया गया। यह एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बाद, पूरा का पूरा सफलता होने के बाद, एक जानदार जीव क्लेम का एमआरआई किया गया था।
यानी कि जब उसका स्कैन किया उसके बाद क्या हुआ, उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ यानी कि एक जानदार जीव का क्या हुआ, एक क्लेम का एमआरआई बनाया गया था। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में फ्रेंड्स, इस तरह से पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले एमआरआई का आविष्कार हुआ था। इस क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में इस तरह से क्या हुआ, एमआरआई का आविष्कार हुआ था। फ्रेंड्स जो सेकेंड साइंटिस्ट है वो पीटर मैन्सफील्ड, हाँ जो सेकेंड साइंटिस्ट है, जो सेकेंड वैज्ञानिक है, पीटर मैन्सफील्ड नाम के एक और आविष्कारक ने, एक और साइंटिस्ट ने 1977 ईस्वी में इसी एमआरआई तकनीक में सुधार करके एक इंसान की उंगली का एमआरआई स्कैन किया, जिनसे इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत आसान कर दिया। जी हाँ, तीसरा जो साइंटिस्ट है फ्रेंड्स वो है रेमंड डेमेडियन। जी हाँ, रेमंड डेमेडियन एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल है, एक ऐसे आविष्कारक है जिन्होंने एमआरआई को असली दुनिया में इस्तेमाल किया था। एमआरआई को इंसान के अंदर रहने वाले भयंकर बीमारियां जैसा कि कैंसर की पहचान के लिए फुल बॉडी का स्कैन एमआरआई का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये वीडियो इतना ही काफी है। मैं अगले वीडियो में इनके जो आगे का पार्ट है मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हम चलते हैं फ्रेंड्स। लास्ट में मैं जाते जाते एक बात कहूंगा, हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना फ्रेंड्स कभी ना भूलें, क्योंकि जो हमारा मोटिवेशनल वीडियोस होगा, जो हमारा ज्ञान के तथ्यों से रिलेटेड जो हमारा वीडियोस होगा वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा फ्रेंड्स। और बस मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमें भी प्रोत्साहित करते रहें, किस चीज से, सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस को देखें और उससे लाभान्वित महसूस करें, हम भी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करके नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।